हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरे इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए रीडिंग्स लेकर आता हूँ। लेकिन जो आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ये आज की वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ध्यान से सुनिएगा पहली चीज़ तो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक लव रिलेशनशिप को कैसे हील किया जाता है, कैसे अपने रिलेशनशिप को आप एक एक उस रिश्ते में कैसे मिठास ला सकते हैं, जिस किसी के भी रिश्ते में कुछ ऐसे अनबन चल रही होती है पति पत्नी के रिश्ते में, ठीक है, उस लोगों के लिए आज मैं एक ऐसी रेमेडी लेकर आया हूँ कि आपके रिश्ते में प्यार तो बढ़ेगा बढ़ेगा, साथ में रोमांस और एक स्पार्क होता है ना आपका रिलेशनशिप में, वो भी एक बढ़ेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए कि लास्ट में आपको पूरा ये रिवील करूँगा कैसे करना है रेमेडी इसकी। लेकिन शुरुआत करने से पहले अपने बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम अंकित है एंड आई एम ए रिलेशनशिप कंसल्टेंट, क्रिस्टल हीलर एंड ए टैरो कार्ड रीडर। यदि आप हमसे जो है अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, आप हमसे वो भी करा सकते हैं, क्योंकि जो मैं नॉर्मल रीडिंग्स करता हूँ मैं, वो एक जनरल रीडिंग रहती है, एक टाइमलेस रीडिंग रहती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे रीडिंग पूरी रेजोनेट करे। थी आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है उन रीडिंग सुनकर, तो आप हमसे अपनी रीडिंग्स पर्सनली रीडिंग करा सकते हैं, जिसमें कि आपके नाम एंड डेट ऑफ बर्थ से आपके लिए कार्ड्स चूज़ किए जाते हैं जो कि आपसे 100% रेजोनेट होते हैं। और हमारे पास कई तरह के क्रिस्टल्स हैं, लाइक रिलेशनशिप को हील करने का क्रिस्टल है हमारे पास। अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई नेगेटिविटी है या आपके पार्टनर के ऊपर किसी ने कुछ मैजिकल स्पेल कुछ कर रखा है, तो उसके लिए ब्लैक मैजिक रिमूवल हमारे पास क्रिस्टल होता है। यदि आप लोगों के बच्चे हैं जो पढ़ाई में जिनको फोकस नहीं लग पा रहा है या उनका कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर भागता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो उसके लिए भी हमारे पास क्रिस्टल है। यदि आपको स्ट्रेस है, किसी भी तरह की एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, पास्ट रिलेशनशिप से आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, उन चीज़ों के लिए भी हमारे पास क्रिस्टल्स होते हैं। और साथ में सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आपको फाइनेंस, अगर मेन टॉपिक आज के लोगों का होता है रिलेशनशिप एंड फाइनेंस, यदि आपका फाइनेंस सही नहीं चल रहा है, बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिल पा रही हैं, या फाइनेंस एकदम अप था एकदम से डाउन हो गया है, तो उसके लिए भी हमारे पास क्रिस्टल्स अवेलेबल होते हैं, जिसे मनी मैग्नेट क्रिस्टल बोला जाता है। यदि आप हमसे लेना चाहते हैं, आप ये भी हमसे ले सकते हैं। इन्हें हम आपके नेम, आपके डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके देते हैं आपको। तो इसे लेने के लिए आप हमें डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर है मेरा 9540046626। चलिए बात करते हैं रिलेशनशिप के लिए रेमेडी की, जो आप बात बता रहा था मैं आपको, कि कैसे यदि आप एक पति पत्नी हैं या लवर्स हैं, तो आप अपने रिलेशनशिप को कैसे एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं, एक नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं। क्योंकि कई बार ना मैंने देखा है कई लोगों के रिलेशनशिप में कमिटमेंट्स तो होते हैं, साथ चलते भी हैं वो, लेकिन वो एक स्पार्क, एक प्यार, एक रोमांस की कमी उनके रिलेशनशिप में रह जाती है। कुछ कई बार मैं अगर एग्जाम्पल दूँ आपको, लाइक आपकी एक मान लीजिए शादी हुई हुई है, शादी को 8, 10 या 15 साल हो गए हैं, उसके बाद आप लोगों के रिलेशनशिप में एक स्पार्क खत्म हो जाता है, एक प्यार, एक रोमांस होता है ना, वो खत्म हो जाता है। तो यदि आप चाहते हैं वो प्यार, रोमांस और स्पार्क आपके रिलेशनशिप में बना रहे ना, तो रेमेडी आपके लिए ही है। देखिए करना क्या है, आप हर के घर में शहद तो होता ही होगा। शहद की एक छोटी सी बॉटल लीजिए, शहद को हमारे रिलेशनशिप में एक मिठास का एक सिंबल माना गया है, कि जैसे शहद में एक मिठास होती है। सब कई बार बोलते हैं ना, कोई सामने से कोई बोलता है, हम कहते हैं ना उसकी, देखो कितनी ज़ुबान बिल्कुल शहद की तरह मीठी है। तो शहद को हमारे रिलेशनशिप में बहुत इम्पोर्टेंट रोल दिया गया है, कि उसकी जैसे मिठास होती है ना, वैसे जैसे उसके अंदर स्टिकनेस होती है, ऐसे ही हमारा रिलेशनशिप या हमारा प्यार भी हो सकता है। हमें करना क्या है, एक शहद की छोटी सी बॉटल लेनी है, उसके अंदर अपनी और अपने लवर की फ़ोटो उसमें डाल दीजिए, शहद होना चाहिए उसके अंदर, अंदर ऐसे राउंड शेप में ऐसे लगा सकते डाल सकते हैं आप। उसके बाद उस ढक्कन को टाइट से बंद कर दीजिए, और उसके बाद आप उसको शीशी, जो आपके शहद की शीशी है, उसको सिल्वर कपड़े से आप उसे बंद करके ऊपर धागा लगाकर उसको आप किसी भी अपने घर के किसी भी कोने में, या घर के जो आपका कमरा है उसके साउथ वेस्ट कॉर्नर, किसी भी कोने में नहीं, घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में, नहीं तो अपने बेडरूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में आप उसे कहीं छुपा के रख दीजिए। क्योंकि मैं सिल्वर कपड़ा क्यों बोला है, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप में ना स्पार्क भी जरूरी है, एक शाइन जरूरी है, एक चमक जरूरी है। आप देखना जिस तरह से शहद एक स्टिकनेस होती है ना, एक गाढ़ा होता है, मजबूत होता है वो, ऐसे ही आपका रिलेशनशिप में भी स्टिकनेस आ जाएगी बहुत ज़्यादा, आपकी तरफ आपके हस्बैंड या आपके पार्टनर अट्रैक्ट होना शुरू कर देंगे। और जैसे ही मिठास एक शहद के अंदर होती है ना, वैसी एक मिठास आपके रिलेशनशिप में भी आ जाएगी उसको। अब मेरी बात होता क्या कि क्योंकि शहद को हमारे रिश्ते में एक प्यार का सिंबल बताया गया है, और जैसे हम बोलते हैं ना कि एक रिश्ते में एक रोमांस या मान के चलिए प्यार होना चाहिए, क्योंकि ये एक सिंबल होता है वीनस और मार्स का,
यदि हमारा वीनस या मार्स कमजोर है, जिस इसी के कारण हमारे रिलेशनशिप में कोई ना कोई इश्यूज चल रहे होते हैं, शहद हमारे वीनस और मार्स प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करता है। इसलिए मैंने बोला है अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में, नहीं तो अपने बेडरूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में कहीं इसे शीशी को छुपा कर रख दीजिए, और फिर देखना है इसका क्या रिजल्ट आपको दिखाई देता है। अगर रिजल्ट अच्छा दिखाई दे, आपके रिलेशनशिप में एक बॉन्ड बने, एक रिलेशनशिप में प्यार रोमांस आप क्रिएट हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि आप ऐसी वीडियोज और देखना चाहते हैं रेमेडीज़ की, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को, मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।